ये देखेंगे कैसा इसका कलर निकला है। ये देखें मेरा पेशावरी बीफ तैयार है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद हिरा श्याम। और यहाँ पे मैं नमकीन बीफ बनाने लगी हूँ। ये बीफ है और इसको सिर्फ मैं नमक में बनाऊँगी और मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाऊँगी। बस इसको आपने कोई 15 मिनट या आधा घंटा भूनना है, भूनना बहुत ज़्यादा है इसको शुरू में। तो यहाँ पे घी गर्म हो रहा है और ये मैं इसमें बीफ डाल देती हूँ सारा। अब इसको मैंने बहुत ज़्यादा भूनना है, कोई 15 मिनट इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। रेसिपी बहुत इजी है लेकिन सारा काम इसको भूनने का है और इसको बहुत ज़्यादा भूनना है आपने। भून भून के इसको बस रोस्ट बना देना है इसका। ये कोई मैंने इसको 10 मिनट भून लिया और अब मैं इसमें ना लहसुन ऐड कर दूँगी, लहसुन अदरक। ये देखिए लहसुन और अदरक ऐड करना है ताकि इसमें स्मेल ना आए क्योंकि बीफ है। अब ये है इसमें 2 मोटी इलायची, 1 दालचीनी का और थोड़ी सी अजवाइन। और इसको मैंने बताया था मैंने सिर्फ नमक में बनाना है और ये देखे मैंने नमक ऐड कर दिया। और ये 1 कप टमाटर जाएगा, मैंने ये फ्रीज़ किया होता है तो इसकी पेस्ट बना लूँगी मैं, इसका छिलका आराम से उतर जाता है। फिर ये हो गया इसमें 1 टमाटर ऐड और अब इसमें पानी डाल के इसको बंद कर देंगे कोई आधे घंटे के लिए, फिर चेक कर लेंगे। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और अब इसको प्रेशर लगा देंगे। तो इसको मैं आधे घंटे के लिए बंद करने लगी हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको कहते हैं पेशावरी नमकीन गोश्त। अच्छा जी, बीफ तो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है तो अब मैं उतनी देर कपड़े समेट लेती हूँ जल्दी जल्दी। और इस टाइम धूप शदीद है और सूरज बिल्कुल सामने है, ये देखें मेरे मुंह पे पड़ रहा है। मेरा बीफ इतना अच्छा गल गया है कि बहुत आराम से टूट जाएगा। और अब मैं ये पानी खुश कर लेती हूँ तो अच्छी तरह भूनती हूँ। ये देखें साथ साथ मेरे फ्राइज तैयार हो रहे हैं और साथ साथ मेरा ये बीफ तैयार हो रहा है। मैं कभी पेशावर तो नहीं गई लेकिन पेशावरी नमकीन गोश्त ज़रूर बना लिया है। ये देखेंगे कैसा इसका कलर निकला है और कैसा ज़बरदस्त लग रहा है ये, और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का होगा। और मैं ये देखें मेरा पेशावरी बीफ तैयार है और ये देखें कितने मज़े का इसका शक्ल है। ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी पसंद आए तो मस्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।